स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, क्यों ये इतना रोमांचक टॉपिक है जिस वजह से सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना मशहूर हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं स्टीचेस। तो चलिए चलते एक रोमांचक सफर में। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पार्ट है। दरअसल आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में दो तरह की रिलेटिविटी बताई थी, एक स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरी जनरल रिलेटिविटी। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल रिलेटिविटी की बात करेंगे और इसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा समझेंगे। सर आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तीन कॉन्सेप्ट्स में बांटा है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस एंड रिलेटिविटी ऑफ मास। तो आइए पहले बात करते हैं रिलेटिविटी ऑफ टाइम की। इसमें सर आइंस्टाइन ने बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो उस ऑब्जेक्ट का टाइम धीमा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टाइम स्लो यानी धीमा हो सकता है। चलिए इसे समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। मान लीजिए कि आप एक रॉकेट में बैठ के इस यूनिवर्स के चक्कर लगाते हैं और उस रॉकेट की स्पीड है लाइट की स्पीड जितनी, यानी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास। तो जब आप 10 साल बाद वापस धरती पर आओगे तो आप देखोगे कि आप फ्यूचर में आ गए हो, मीन्स इस ट्रैवलिंग के दौरान आपने टाइम ट्रैवल कर लिया है। दरअसल हुआ यूँ कि आपका टाइम स्लो हो जाने से आप वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन बाकी दुनिया आपसे टाइम में आगे चली गई और इसी वजह से आप फ्यूचर में पहुंच गए। इसी कॉन्सेप्ट को हम टाइम डिलेशन भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अब बात करते हैं रिलेटिविटी ऑफ स्पेस की। इसमें आइंस्टाइन ने बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो वो ऑब्जेक्ट लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसे ही हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आइए इसे भी समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। मान लीजिए कि आप एक रॉकेट में ट्रैवल करते हैं जिसका स्पीड लाइट की स्पीड जितना है, तो जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप पाएंगे कि जो डिस्टेंस गैलेक्सीज के बीच में है वो सिकुड़ गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसे ही हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिकुड़ गया है। चलिए बात करते हैं रिलेटिविटी ऑफ मास की। इसमें आइंस्टाइन ने बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो उसका मास पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे समझने के लिए आप मान लो कि आपके पास दो रॉकेट हैं जिसमें से रॉकेट ए की स्पीड लाइट की स्पीड जितनी है या फिर उसके आसपास है और रॉकेट टू की स्पीड लाइट की स्पीड से आधी है। तो जब आप इन दोनों रॉकेट का मास कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि रॉकेट ए का मास रॉकेट टू के मास से ज़्यादा है। और इसी कॉन्सेप्ट पे सर आइंस्टाइन ने अपना फेमस इक्वेशन E=mc² दिया है, जिस वजह से आइंस्टाइन काफ़ी मशहूर हुए थे। इसी इक्वेशन की मदद से हम आज जितने भयानक और ख़तरनाक एटॉमिक बम का आविष्कार कर पाए। तो ये तो थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इधर ही ख़त्म नहीं होती। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि मोशन रिलेटिव कैसे है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसे हम ये जानेंगे कि लाइट कॉन्स्टेंट कैसे है। इसे हम कुछ रोमांचक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियोस में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।